बहुत एक्साइटेड हूँ. यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है और एक अचीवर्स अवार्ड मिलना इज ऑलवेज इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. सो हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ओके आलिया, अगर बात करें हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो वहाँ तो आपने धूम मचा ही रखा है. अभी आपकी हाल ही में टीजर कलंक का टीजर लॉन्च हुआ है, जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं. साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र के लिए भी लोग बहुत एक्साइटेड हैं. तो क्या लगता है, आपने अपने आप में एक बेंचमार्क सेट कर लिया है, क्योंकि आप साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं? आई थिंक जब मैं एक कोई भी फिल्म करती हूँ, तो मैं वो कैरेक्टर के हिसाब से और डायरेक्टर के हिसाब से काम करती हूँ. मैं अपने आप को भूल जाती हूँ. आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैंने कौन सा बेंचमार्क किया है. कैरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जो डायरेक्टर मुझसे चाहते हैं कैरेक्टर के हिसाब से, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो जो भी क्रिएट किया है मुझे पता नहीं है. मैं बस अभी इस फिल्म में जाके कुछ ऑनेस्ट और अच्छा क्रिएट करना चाहती हूँ. मैंने अभी एक्चुअली ट्वीट किया था कि जो द नेशंस वॉइस इज द नेशंस चॉइस. सो जो जो हमारा जो इलेक्शंस होता है, वो हमारे जो एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया और जो भी हमारे कंट्री में है, उनके लिए होता है. इट्स फॉर द कंट्री. So I urge people to go out there and cast their vote and make a choice. Okay, done. Thank you. Lastly, happy birthday in advance. Thank you. कल आपका birthday है, so what's the planning? Anything you'd like to share with us? Just कि मैं बहुत सारा केक खाने वाली हूँ. So आलिया, साथ ही साथ आप साउथ में डेब्यू कर रही हैं. उसके लिए कितनी एक्साइटेड हैं? कुछ प्रिपरेशन रही है आपकी सीता के रोल के लिए? अभी प्रिपरेशन चालू है. ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना अलाउड है. बट डेफिनेटली जैसे मैंने ट्वीट में भी कहा आज, दैट टुडे जेन्युइनली मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ. क्योंकि एक मैंने मन में बोल दिया था कि मुझे राजामौली सर के साथ काम करना है, और वो पूरी हो गई. सो और पूरी हो रही है. सो दैट ग्रैटिट्यूड आई रियली फील इमेंसली. और मेरे इट्स माई फर्स्ट टाइम वर्किंग यू नो इन द साउथ इंडस्ट्री. सो आई एम रियली. ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ ఇంకో విషయం, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.